आईसीपीएस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने लंबे समय तक देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई हाई कोर्ट के अंदर वकालत की, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका निभाई। श्री राजीव कुमार शर्मा जी जो इस कानून की समीक्षा के साथ साथ समय समय पर जो कुछ भी नए रिसर्च तकनीकी रूप से उसके लिए इस विभाग के राजीव कुमार शर्मा महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। नीरज जी जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो आईसीएस संस्था के अंदर डायरेक्टर जनरल हैं, आज मुझे खुशी है कि 80 से ज्यादा देशों के राजनयिक और उन देशों के प्रतिनिधि भारत के अंदर आजादी के 70 साल बाद भारत की संसद ने व्यापक विचार विमर्श, कानून से जुड़े हुए सभी स्टेट होल्डरों से गहन चिंतन मनन समीक्षा के साथ भारत की संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी एक बड़ी व्यापक चर्चा की और उसके बाद इन तीन कानूनों को बनाया गया। निश्चित रूप से जब किसी देश के अंदर परिवर्तन होता है, नए इनोवेशन होते हैं, तो उस परिवर्तन के साथ दुनिया के अंदर सभी डेमोक्रेटिक देशों के अंदर भी अपने कानूनों की और जिस देश के अंदर अलग अलग देश के राजनयिक उनके प्रतिनिधि भारत उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको भारत के कानूनों की, भारत के लीगल स्ट्रक्चर की, भारत की नीतियों पॉलिसी की, भारत की संसद की कार्रवाइयों की, भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की सारी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है सही, लेकिन हमारी डाइवर्सिटी, हमारी विविधताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं, भाषा की विविधताएं, धर्म की विविधताएं, हमारी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विविधताएं हैं। उन विविधताओं को एक साथ हम मिलकर कानून के राज के रूप में जब दुनिया के डेमोक्रेसी के रूप में सबसे बड़े देश हैं, उसी तरीके से दुनिया के अंदर भारत का संविधान जिसमें सबको न्याय, सबको बंधुता, स्वतंत्रता
अभिव्यक्ति ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसीलिए भारत का संविधान बनाते समय इसी संसद के केंद्रीय कक्ष में आजादी के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और देश के उस समय के लीगल एक्सपर्ट और विद्वान जिसमें महिलाएं भी थी, उन सबको सभी वर्गों ने एक लंबी चर्चा 2 वर्ष और 88 दिन मतलब अनुमानित 3 साल तक संविधान बनाते समय व्यापक चर्चा की। और आपको विशेषता बताऊं कि उस संविधान के अंदर जो भी संविधान की धाराएं हैं उनमें सब में सर्वसम्मति से संविधान बनाया गया। जिस देश की इतनी विचारधाराएं अलग हो, इतने दल हो, लेकिन संविधान बनाते समय हमारा प्रयास रहा कि संविधान सबके साथ मिलकर बने और सबके सहयोग से बने। इसे संविधान की हर अनुच्छेद पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई। आज मुझे खुशी है कि भारत का संविधान कई देशों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है। उसी तरीके से जब 3 कानून बनाने का विषय आया तो उसमें भी बड़ी व्यापक चर्चा की गई, लंबे समय तक व्यापक चर्चा की गई, लगातार 2 वर्ष तक कानून बनाने के लिए व्यापक मंथन चर्चा की गई। और जो कानून और उस कानून का जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है उन सभी स्टेट होल्डरों से भी अलग अलग चर्चा की गई। और आज मैं कह सकता हूं कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, क्योंकि जैसा यूआर ललित साहब ने कहा, उस समय की परिस्थिति के अनुसार भारत एक कॉलोनाइजर था, उस समय के कानून बनाए, लेकिन आजाद होने के बाद भारत ने अपनी आवश्यकताएं और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को देखते हुए नए कानून बनाए, क्योंकि उसके बाद टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो गया, अपराध करने की प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया, दंड के साथ न्याय और विशेष रूप से न्याय संहिता, सबको न्याय मिले, भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम और भारत का कानून ऐसा है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी अपना न्याय पाने का और कानूनी अधिकार रखता है। वो जुडिशियली के प्रारंभिक सिस्टम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसको अपील करने का अधिकार रहता है। और हमारे यहां न्याय को एक ये माना जाता है भगवान की भूमिका के रूप में, जो न्यायाधीश बैठा है वो न्याय करेंगे ही करेंगे, इसलिए न्याय पर भारत की जनता का अति विश्वास है। और ये विश्वास भरोसा आजादी के 75 वर्षों में और मजबूत हुआ है। इसलिए कानून बनाते समय भी आप, क्योंकि विभिन्न देश के राजनयिक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, भारत के कानून की प्रक्रिया, उसके बनाने की प्रक्रिया, कानून का स्ट्रक्चर, और आपको भारत के कानून की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी संविधान में परिवर्तन करना हो तो संसद में 2/3 मेजोरिटी से ही परिवर्तन हो सकता है, और दोनों सदनों के अंदर, और उसकी भी समीक्षा न्यायालय के अंदर है। यह हमारे न्यायाधीशों की भूमिका है, इसलिए न्याय को हमने सर्वोपरि माना है। और न्याय पर विश्वास भरोसा भारत की जनता का अत्यधिक है,
इसलिए आपको इस कानून स्ट्रक्चर के साथ भारत ने जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सबको न्याय मिले, उसकी व्यवस्था कायम की, क्योंकि आप अलग अलग देश के राजनयिक हैं, इसलिए भारत की कानून की और न्याय प्रणाली के साथ भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी आपको समझने की आवश्यकता है। जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे यहां विविध राजनीतिक दल हैं, हमारे यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि संसद के अंदर है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, पंचायत के अंदर, जो गांव की सबसे छोटी इकाई है उस छोटी इकाई के अंदर भी हमारी डेमोक्रेसी है और न्याय का सिस्टम है कि अगर किसी को प्रारंभिक स्थिति पर न्याय प्राप्त करना हो तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जो जिले का न्यायाधीश होता है, उसके बाद हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए न्याय प्राप्त करने के तीन स्ट्रक्चर सिस्टम हमारे यहां पर है। और इसीलिए जहां कानून का शासन होगा, जहां सबको न्याय मिलेगा, वो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और मुझे आशा है कि आप सब भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ कानून कानून बनने की प्रक्रिया, नए कानून को समझने के और उसके प्रशिक्षण के लिए भारत की संसद में आए हैं। निश्चित रूप से हमारे डायरेक्टर जनरल आपको संविधान, संविधान की डिबेट्स, भारत में कानून, तीनों कानून की बनने की प्रक्रियाएं और उसके प्रभाव, हमने नई टेक्नोलॉजी के साथ अधिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोई अपराधी को अपराध करने पर दंड मिले और किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो उसको न्याय मिले, इसी तरीके से सिविल कोर्ट के अंदर भी उसको अपील करने के थ्री स्टेज सिस्टम है। कंपनी लॉ के अंदर भी अलग कानून की प्रक्रिया है, फिर आर्बिट्रेशन का सिस्टम है कि न्याय के बाद भी अगर आपस में बैठकर समझौता कर जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है वह भी हमारा स्ट्रांग है। और आर्बिट्रेशन सिस्टम हमारी आजादी के बाद का नहीं, हमारे विरासत में है कि गांव में बैठकर भी जब दो समुदाय में झगड़ा होता था, विवाद होता था, या जमीन विवाद होता था, सिविल कोर्ट होता था, क्रिमिनल विवाद होता था, हर विवाद को गांव में बैठकर पंच लोग बैठते थे और वहां न्याय कर देते थे और वो न्याय लोग मानते थे। न तो उस समय अदालतें हुआ करते थे, न थाने हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों पर इतना विश्वास था कि जो गांव के लोगों ने न्याय किया है वो न्याय भगवान के रूप में है और इसको सब मानते थे। ये भारत की विरासत की संस्कृति न्याय के प्रति रही है। इसलिए मुझे आशा है कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, चाहे साइबर अपराध हो, चाहे आर्थिक अपराध हो, इन सब पर विशेष ध्यान दिया है। लैंगिक समानता हमारे संविधान की मूल धारणा है, जिसमें संविधान बनते सबको वोट देने का अधिकार मिला है, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको समान अधिकार। लैंगिक आधार पर हमारी समानता दुनिया के अंदर आज भी मार्गदर्शन देती है। और इसी तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी समीक्षा की है और उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अंदर भी हमने उस व्यवस्था को कायम किया है। और विशेष रूप से मानव अधिकार के मामले के अंदर
भारत ने हमेशा मानव अधिकार को सबसे ऊपर रखा है। हम मानव अधिकार के प्रति हमेशा सचेत रहें और आप देखेंगे कि हमारे कानून में, हमारे संविधान के अंदर मानव अधिकारों के प्रति, महिला अपराधों के प्रति विशेष रूप से समय समय पर बदलती परिस्थितियों में कानून बना है। आज मुझे आशा है कि आप सब लोग भारत के बनाए कानूनों का अध्ययन करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे और अपने अपने देशों के अंदर भी भारत के कानूनों के प्रति प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने अपने देश में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। आप यहां पर आए, आप सबका भारत की संसद में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। टू वॉच मोर प्रोग्राम्स ऑफ संसद टीवी सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर देम।